हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम इस वीडियो में 11th क्लास के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसरों को समझेंगे और उन्हें याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए दोबारा टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बॉट। बॉट मतलब होता है क्या, अकॉर्डिंग टू मतलब होता है के अनुसार, एरम के अनुसार, वाज मतलब थी, हिज मतलब उसकी, फर्स्ट मतलब पहली, लॉन्गिंग मतलब होता है इच्छा, उसकी पहली इच्छा क्या थी। चलिए आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है एरम्स फर्स्ट लॉन्गिंग, उसकी पहली इच्छा वाज मतलब थी, टू राइड मतलब सवारी करने की, किसकी सवारी करने की, अ हॉर्स मतलब एक घोड़े की सवारी करने की उसकी पहली इच्छा थी। चलिए सेकंड को समझ लेते हैं। तो सेकंड में लिखा है हु मतलब कौन, वाज मतलब था, जॉन बायरो, जॉन बायरो कौन था। इसमें एक सेकंड क्वेश्चन और पूछा गया, तो क्या लिखा है, व्हाई, व्हाई मतलब होता है क्यों, डज हो गई हेल्पिंग वर्ब, ही मतलब वह कौन, जॉन बायरो, विजिट मतलब जाता है, कहां पर जाता है, ऑथर्स हाउस लेखक के घर पर जाता है, तो हमको बताना है व्हाई मतलब क्यों जाता है। चलिए आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा है जॉन बायरो बाज मतलब था, क्या था, अ फार्मर मतलब एक किसान था, ये पहले का आंसर हो गया है। अब सेकंड को देख लेते हैं। सेकंड में क्या पूछा था भाई, वह लेखक के घर पर क्यों जाता है, तो इसका आंसर लिखा है ही बाज वेलकम, उसका क्या किया गया था, स्वागत किया गया था, कहाँ पर, इन द ऑथर्स हाउस, लेखक के घर पर उसका स्वागत किया गया था, लेकिन किस उद्देश्य से गया था, तो लिखा है ही विजिट, वह जाता है, कहाँ पर जाता है, द ऑथर्स हाउस पर जाता है, घर पर जाता है, टू डिस्कस मतलब होता है चर्चा करने के लिए गया था, किसकी चर्चा, तो लिखा अबाउट मतलब के बारे में, किसके बारे में, हिज मतलब उसके, मिसिंग हॉर्स मतलब खोए हुए घोड़े की चर्चा करने के लिए वहां पर जाता है, किस लिए गया था, टू डिस्कस करने गया था, किसका, अबाउट मतलब के बारे में, हिज मिसिंग हॉर्स, उसके खोए हुए घोड़े की चर्चा करने के लिए गया था।